तो गाइस अभी जो आम का सीज़न स्टार्ट है, ये चक्कर हुआ है, ये नहीं आम चक्कर हुआ इसका, जो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तौफीक अहमद और आप देख रहे हैं तौफीक अहमद व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, आपको इस तरीके के इंटरेस्टिंग और मजेदार व्लॉग्स डेली बेस पर मिलते रहेंगे। तो गाइस अभी ये मेरा पेन है, सारे यहाँ पर है और आ रहे, ये एक छोटा यानी व्लॉगर है मेरी तरह का और अभी ये आया मुझसे मिलने के लिए और आरिफ को सपोर्ट कर, इसके चैनल जो है आ रहा है नीचे, आरिफ भी कुछ कहेगा आपको डेली व्लॉगिंग के रिलेटेड। आरिफ भी मेरी तरह डेली व्लॉगिंग कर रहा है, आप कुछ बताओ व्लॉगिंग के रिलेटेड। हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को हमको सपोर्ट करना होगा और सपोर्ट करो। ये सारे हमारे फैन है यहाँ पर गेट के सामने खड़े हुए, ये मेरा फैन है, बिजू कॉमेडी है, इसका खुद का चैनल है, ये सारे मेरे फैन है और एक छोटा सा फैन है मुझसे मिलने के लिए। क्या हाल है भाई? ठीक है, ये छोटा सा पेन है यार, रोज मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड होता है तो ये मेरा वीडियो देखता है, वीडियो के इंतजार में बैठा रहता है। तो गाइस अभी गेट के सामने जो है पेंट्स का पड्डा हो रहा है, देखो ये देखो भाई साहब, अभी आरिफ अहमद आया था, आरिफ अली, ये देखो विज्जू, उस वक्त विज्जू ने बहुत मार खा, इसी वजह से विज्जू जो आज लड़ाई के मूड में नहीं है। देखो पड्डा हो रहा है यहाँ पर, पड्डा हो रहा है अभी सब पेंट्स का, ये दोनों का पड्डा करवाता हूँ, ये दोनों का मैं पड्डा करवाता हूँ। तो गाइस अपने जो टीम मेंबर कुमार है, इतनी कया है देखो, हाल क्या, सिंह नहीं है, सिंह नहीं है, सिंह अलाव नहीं है, सिंह अलाव नहीं है, पत्थर मारना अलाव नहीं है, छोटा सा गेम चल रहे थे अभी, ये देखो मुझे मार रहा है ये बिजू, क्यों खिलाड़ी करते हो, मत करो मत करो, पड्डा हो गया, क्यों मत करो, ये पड्डा हो गया, लड़ाई करवाता है। तो गाइस अभी जो है 3 से 4 दिनों के बाद मैं फिर से ऑनलाइन हुआ हूँ। मेरा जो है ऑफलाइन होने का रीज़न क्या है कि मेरे जो हैं जो तायाबू थे वो अंकल, उसका जो इंतकाल हो गया था, वहीं जैसे एक्सीडेंट हुआ तो 5 दिन तक 10 दिन वो कोमे के अंदर रहा, फिर इसका इंतकाल हुआ और अभी मैं हूँ बाग के अंदर, तो इसी वजह से जो मैंने वो लोग अपलोड नहीं किया और मैंने देखा कि मलबेरी जो है अभी ऑलमोस्ट जो है पक चुके हैं, अभी टेस्ट क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट है और टमाटर का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, आखिरी जो है टमाटर है, आखिरी जितने भी ये यानी टमाटर इसके ऊपर लगे हुए ये आखिरी है, अभी इन सब को तोड़ते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस अभी जो आम का सीज़न स्टार्ट है, ये चक्कर हुआ है, ये नहीं आम चक्कर हुआ इसका, जो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आम लगे हुए हैं, ये चक्कर हुआ है, आम अभी से दिखाता हूँ, ये रहे माशाल्लाह से, इस साल जो है आम काफ़ी ज़्यादा कम है मगर यहाँ पर जो है आम बफो मिलेगा, ये रहा, ये चेक करो, अभी चलते हैं पूरा आम का टूर आपको दिखाते हैं। ये आम काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, इतने इतने बड़े दाने इसके होंगे, यहाँ पर चेक करो, ये रहा, ये रहा माशाल्लाह से। तो गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके मैंने वीडियो नहीं बनाया, आज मैं बाग के अंदर आपको आम दिखाया, अभी आपको छोटे छोटे से ग्रेप्स दिखाते हैं, अंगूर, ये रहे करो, अंगूर का सीज़न अभी स्टार्ट होने जा रहा है, यहाँ पर जो एक अंगूर का यानी शाख था उस पर बड़े बड़े ऐसे ऐसे अंगूर लगे हुए थे मगर वो जो किसी ने काट दिया यहाँ पर था और अभी फूल भी लगने स्टार्ट हो चुका है, ये करो, और यहाँ पर देखो ये जब पक जाएंगे आम, ये अंगूर सब कुछ आपको दिखाएंगे, ये जो है सूखे पड़े हुए हैं, पता नहीं किस वजह से सूख रहे हैं, और ये अंगूर यहाँ पर एक बहुत बड़ा चाट जिसे हम बोलते हैं, और देसी अंगूर, देसी आम और देसी अमरूद, ये चेक करो, ये सब कुछ हमारे बाग के अंदर है, बेर बड़े बड़े दाने वाले सोलर पैनल लगे हुए हैं, अभी मतलब स्टार्ट करते हैं, अपना जो घास वगैरह पानी देते वो भी आपको दिखाएंगे यहाँ पर ये भी दम। तो गाइस अभी आयान आया मेरे पास, यान क्या कर रहे हो? टमाटर खा रहे हैं। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं ये ऑरेंज, ये चेक करो,
और इस ब्लॉग को मजीद लंबा नहीं करते, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आए लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।